तो दोस्तों, अशोक लेलैंड भारत की एक ऐसी कंपनी जिसके सभी प्रकार के व्हीकल्स अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका जैसे कई देशों के अंदर ऑपरेट किए जाते हैं। साथ ही में ये कंपनी भारत के अंदर भी एक बड़े मार्केट को कवर करती है। तो अब इसी कंपनी ने भारत के लिए एक बहुत बड़ा काम कर दिखाया है। असल में दोस्तों, स्विच मोबिलिटी नाम की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी जो कि यूके बेस्ड कंपनी मानी जाती है, लेकिन अशोक लेलैंड ने अब इसी कंपनी को फुल्ली एक्वायर कर लिया है। इतना ही नहीं, भारत में इसके संपूर्ण शेयर धारिता को अधिग्रहण भी किया जा चुका है। तो इससे अब हमारे देश को कई बड़े फायदे होने वाले हैं। जहां पर एक काम अकेले कंपनी करती थी, अब दो कंपनियां उसी काम को जल्द कंप्लीट करा करेंगी। बात करें दोस्तों हम स्विच मोबिलिटी के बारे में, तो यूके की ये ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक बस और वैन का निर्माण करती है। साथ ही में कंपनी प्लान बना रही थी कि वो भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के व्यापार को वैश्विक स्तर पर ले जाए और पूरी दुनिया में अपने ही देश का नाम कर पाए, लेकिन अशोक लेलैंड ने इस कंपनी का अधिग्रहण पूरी तरीके से कर लिया है। दोस्तों, ये अधिग्रहण 14 जून 2021 को कंप्लीट किया गया, और अगर दूसरी भाषा में कहें तो आप अब इसे भारत की कंपनी मान सकते हैं। और बात करें हम देसी कंपनी अशोक लेलैंड के बारे में, तो ये अपने व्यापार को पहले से ही वर्ल्ड वाइड करते आए हैं, और अब इस कंपनी की वजह से ये अपने व्यापार को ज्यादा तरीके से बढ़ा पाएंगे। दूसरी भाषा में कहें तो अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा देशों में हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पर रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इतनी ही जानकारी शेयर की गई है। कंपनी किस तरीके से यहाँ पर आगे चल के काम करने वाली है, अभी इसकी कोई खास जानकारी शेयर नहीं की गई है। आप लोगों का अशोक लेलैंड के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे और भी मेड इन इंडिया वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करके और भी वीडियोस देख सकते हैं, और भारत के क्रांतिकारी स्टार्टअप की वीडियोस देखने के लिए आप राइट वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करके और भी ज्यादा वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।